लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वर्ल्ड। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ओले का एक और हैंडसेट जो है दोस्तों X3। दोस्तों इसकी जो हमें प्राइस मिलती है वो है दोस्तों 9,500 रुपये में। ये हैंडसेट आपको मार्केट में बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम इस हैंडसेट के स्पेक्स की तरफ चलते हैं और देखें कि इस हैंडसेट में हमें स्पेक्स क्या मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस हैंडसेट में जो हमें स्पेक्स मिलते हैं ये है 4G सपोर्टेड है, और इसके अलावा 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों हमें 2 GB रैम मिलती है और इसके अलावा 16 GB रोम मिलता है। 5.5 इंच का HD 720 रेजोल्यूशन का हमें डिस्प्ले मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो इसके कैमरा को, तो फ्रंट कैमरा हमें मिलता है वो है 5 MP का, और बैक कैमरा में हमें ड्यूअल कैमरा मिलते हैं 13 MP, और इसके अलावा 360 टच फिंगर प्रिंट मिलता है हमें, और स्टीरियो साउंड हमें इसमें जो बैटरी मिलती है वो भी बहुत ही अच्छी बैटरी है, 4000 mAh हमें बैटरी मिलती है। एंड्रॉयड 6.0 मिलता है और ड्यूअल सिम सपोर्टेड है ये हैंडसेट। दोस्तों ये थे इस हैंडसेट के स्पेक्स। अब आइए हम इस हैंडसेट को अनबॉक्स करें और उसका शेप देखें कि कैसा शेप मिलता है हमें। दोस्तों हम इसको अनबॉक्स करें और इसका शेप देखें कि कैसा शेप मिलता है इस हैंडसेट का हमें, और एसेसरीज़ को भी हम चेक करते हैं कि क्या एसेसरीज़ हमें मिलती है इस हैंडसेट में। तो दोस्तों ये हो गया अनबॉक्स, और सबसे पहले हम उठाते हैं इसकी एसेसरीज़ को और उसके बाद सेट हैंडसेट को उठाते हैं और मैं आपको इसका शेप दिखाता हूँ बाद में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी एसेसरीज़ में ये हमें सिम कार्ड निकालने के लिए और सिम सर्किट निकालने के लिए हमें पिन मिलती है, और इसके अलावा दोस्तों हमें एक इसमें पाउच मिलता है, सिलिकॉन पाउच है ये। दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ तो दोस्तों ये ओले के तकरीबन हैंडसेट्स में हमें ये पाउच मिल रहे हैं हमें। और दोस्तों इसके अलावा हम देखें तो ये बुकलेट मिलते हैं हमें, ये देख सकते हैं आप दोस्तों बुकलेट मिलता है इस हैंडसेट में हमें, और ये रिंग मिलती है बैक रिंग, और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये जो है ओले की केबल मिलती है डेटा केबल, और ये हैंड फ्री, और यहाँ पे हमें ये डमी मिलती है 1 एम्पेयर की, ये चार्जिंग की डमी मिलती है हमें इस हैंडसेट में। तो दोस्तों आइए अब हम हैंडसेट को उठाते हैं और देखें कि हैंडसेट का कैसा शेप है, और ये एक्सेसरीज हम रखते हैं साइड पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेंसर का शेप बिल्कुल ही प्यारा सा शेप मिलता है हमें, और बीच में ये देख सकते हैं कि टच फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पे इन्होंने बटन दिया है, लेकिन टच ही है इस पर, प्रेस नहीं हो रहा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में हमें ये कैमरा मिलती है, उसके साथ ही फ्लैश, एयरपीस और सेंसर। और साइडों में चेक करें तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, और यहाँ पे ये सिम सर्किट भी मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिम सर्किट मिलता है हमें। और इसके अलावा दूसरी साइड में हम चेक करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम कीज मिलती है हमें, और डाउन साइड में हमें चार्जिंग जैक और उसके साथ ही ये दो स्पीकर मिलते हैं। और दोस्तों अपर साइड में मैं आपको दिखाऊं तो वो है दोस्तों इसका 3.5 का ऑडियो जैक, और ये इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं, और एक मिनट में आपको इसकी ये निकाल के प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसका, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये देख सकते हैं आप दोस्तों बिल्कुल ही प्यारी सी बैक साइड मिलती है हमें, ये एम स्टीकर। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि ड्यूअल कैमरा मिलते हैं हमें इसकी बैक साइड में, और इसके अलावा यहाँ पे हमें ये मिलती है फ्लैश मिलती है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ही प्यारी सी बैक साइड मिलती है हमें, और हैंडसेट का शेप भी बिल्कुल ही प्यारा सा मिलता है। तो आइए अब हम इस सेंसर को ऑन करें और देखेंगे इसका मेन्यू हमें कस्टमाइज़ किया हुआ मिलता है या फिर इसके डिस्प्ले के ऊपर ही है, और एंड्रॉयड वर्जन भी मैं आपको चेक करा देता हूँ इस सेंसर का, और दोस्तों कैमरा भी चेक कराता हूँ मैं आपको सेंसर का कि रिज़ल्ट कैसी है इस हैंडसेट की। दोस्तों ये हैंडसेट ऑन हो गया है, अब हम मैं आपको दिखाऊँ तो इसका मेन्यू जो मिलता है हमें वो है डिस्प्ले के ऊपर दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका इसमें फिंगरप्रिंट भी चेक करा देता हूँ कि कैसा है इसका फिंगरप्रिंट वर्क करता है। तो यहाँ पे हम इसको कंफर्म करते हैं, ये मैंने इसका मेन्यू पैटर्न सेट किया और डन, और दोस्तों यहाँ पे हम
एड फिंगरप्रिंट सेट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मैं इसको सेट कर लूँ, तो ये हो गया दोस्तों डन। और अब हम चलते हैं बैक और इसको लॉक करके। ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसका पैटर्न वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इसका कैमरा चेक कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसके कैमरा की रिजल्ट मैं आपको चेक करा दूँ। तो यहाँ पे हम इसकी फ्लैश, ये दोस्तों ये हमने तस्वीर खींची इसकी, और मैं आपको इसकी रिज़ल्ट दिखाऊं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसकी कैमरा की रिज़ल्ट इतनी खास नहीं है, 13 मेगापिक्सल बताई है इन्होंने, लेकिन नहीं है उतनी जितनी इन्होंने बताई है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग में हमें कुछ अलग कलर इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सीन मोड भी मिलते हैं, और वाइट बैलेंस वगैरह जो आप सेट करना चाहें, और वॉइस कैप्चर, फेस डिटेक्शन, ऑटो डिटेक्शन, सेल्फ टाइमर, कैप्चर नंबर, 40 सेकंड, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती हैं हमें सैमसंग में। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इसमें ये दिखा दूँ, इसका एंड्रॉयड वर्जन चेक करा दूँ, तो वो है दोस्तों 6.0। मैंने आपको बताया पहले ही, इसमें जो ये देख सकते हैं मार्शमेलो मिलता है हमें, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एंड्रॉयड वर्जन इसका मार्शमेलो मिलता है हमें। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।